आज मैं बात कर रहा हूं आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया के बारे में, जिसमें आपको आलू की कोड़ाई से पहले उसके पौधों को जड़ से काटकर उस खेत से हटा देना होता है। ऐसा करने से आपकी फसल को काफी फायदा होता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सामान्यतः आलू की किस्म, बुआई का समय और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार आलू की मुख्य फसल 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसलिए अच्छी आलू पाने के लिए किसानों को फसल उखाड़ने या कोड़ाई करने से पहले कुछ प्रक्रिया करने की सलाह दी जाती है। आलू को उखाड़ने से पहले किसानों को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कंदों को उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें और खेत की मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। इससे कंदों के छिलके मोटे और कड़े हो जाते हैं और उखाड़ते समय या उखाड़ने के बाद छिलकों के छिल जाने के कारण आलू खराब नहीं होंगे। आलू में मिट्टी के चिपकने की समस्या भी नहीं होगी। छिलके मोटे होने के कारण और उसमें मिट्टी नहीं चिपकने के कारण कंदों में बीमारी के रोगाणु अंदर नहीं जा पाते हैं और ऐसे रोगमुक्त आलू को ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। किसानों को यह काम जरूर करना चाहिए। अगर संयोगवश कोड़ाई से पहले बारिश हो गई हो तो खेत को सूखने के बाद ही उसकी कोड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बात, फसल के 100 दिन हो जाने के बाद यानी फसल के पक जाने की अवस्था में जब 2/3 से ज़्यादा पौधे की पत्तियाँ और तने पीले पड़ जाएँ तो पौधों को जमीन से सटाकर हंसिए से काट देना चाहिए। आमतौर पर यह काम अंतिम सिंचाई के बाद या फसल उखाड़ने के 2 हफ्ते पहले किया जाता है। इससे आलू के कंद मिट्टी के अंदर अच्छे से पक जाते हैं और उनके छिलके कड़े होने लगते हैं। पौधे को काट देने से पत्तियों और तने पर लगी बीमारियां कंदों में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए कंद स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा उनकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है और ऐसे कंद बीज के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर किसान अपना बीज रखना चाहता हो तो उसे ये प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। कटे हुए तनों को खेत में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो इसमें लगी हुई बीमारी के रोगाणु आलू के कंद और मिट्टी में फैल सकते हैं। इसलिए काटे हुए पौधे को तत्काल खेत से निकाल देना चाहिए और उन्हें कंपोस्ट में डालकर खाद बना लेना चाहिए। आलू की कोड़ाई करने से पहले किसान कंदों की सही अवस्था की जाँच जरूर कर लें। इसके लिए एक तो पौधे उखाड़ कर देखें। अगर कंद परिपक्व हो गया है तो इससे लगी जड़ें सूख गई होंगी। अब कंद को उंगली से रगड़कर उसका छिलका छुड़ाने की कोशिश करें। अगर छिलका आसानी से नहीं छिल रहा हो तो समझे कि फसल कोड़ाई के लिए तैयार है। अगर छिलका आसानी से उतर रहा है तो कोड़ाई न करें और फसल को कुछ दिन और ऐसे ही छोड़कर कंदों को ठीक से पकने दें। अगर किसान इन बातों का ध्यान रखकर इनका पालन करें तो वे अपने घर पर भी आलू को ज़्यादा समय तक रख सकेंगे। छिलके मोटे होने और कंदों की पूरी तरह पक जाने के कारण आलू में से नमी का नुकसान कम होता है और वो बाद में सिकुड़कर झुर्रीदार नहीं होंगे या समय से पहले अंकुरित नहीं होंगे और स्टोर करने में समय पर वजन में भी ज़्यादा कमी नहीं आएगी। ऐसे कंद रोग के कारण नहीं के बराबर या बहुत कम सड़ेंगे। इस प्रक्रिया का पालन करने से कोल्ड स्टोर में रखे गए आलू के बीज भी अच्छे और सुरक्षित रहेंगे। अगर पहले बताए गए तरीके से उखाड़ने के 15 दिन पहले पौधे के तने नहीं काटे गए हों तो पत्तियों और तने के पूरी तरह से सूखने का इंतज़ार करें, तभी कोड़ाई करें। जब पत्ते और तने पूरी तरह से सूख कर भूरे ना पड़ जाएं, तब तक कोड़ाई हरगिज ना करें और आलू को ज़मीन के अंदर ही रहकर ठीक से पकने दें। कई बार ऐसा होता है कि कोड़ाई करने के मौसम में हल्की बारिश या बदली जैसा माहौल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोड़ाई हरगिज ना करें और जब मौसम खुल जाए, धूप हो जाए और मिट्टी हल्की सी सूखी हो तभी आलू की कोड़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल में आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया कर इसके उपज की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।